नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही परिसीमन की प्रक्रिया अंतिम दौर पर नजर आ रही है। शासन ने सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इंदौर जिले के देपालपुर हातोद तहसील में 13 नवीन ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्णय लिया है। जो हमारा गाँव पहले ग्राम पंचायत छोटी कलमेर में जुड़ा हुआ था, ग्राम पंचायत छोटी कलमेर और तेमलपुर और स्याहुदा, और हमारे गांव को ग्राम पंचायत छोटी कलमेर से हटा के आरोला कोट पंचायत में जोड़ा गया, जो हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर है। बीच में ग्राम पंचायत छोटी कलमेर पड़ती है और स्याहुदा और तेमलपुर एकदम नज़दीकी गांव है, कम दूरी है, और हमारे दो गाँव की एक पंचायत जनसंख्या के आधार पर गठित हो सकती है। और हमारी यही मांग है और यही हमने अनुविभागीय अधिकारी से मांग की है। जो गांव के वोट हमारे गांव में ही डलते हैं, हमारे गांव के पोलिंग है, और जो विधानसभा लोकसभा का जो पोलिंग बूथ है वो हमारे गांव में ही है, पेमलपुर में। राधे श्याम पटेल, निवास पेमलपुर। माननीय सीओ मैडम को जो ज्ञापन देने आए थे वो था परिसीमन, पंचायत का परिसीमन। अभी आज जो मौजूदा हालत में हम ग्राम अटैडा में जुड़े हुए हैं, और हमारा ये कहना पड़ रहा है कि आपत्ति है कि हम अटैडा में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ अटैडा में हमें मूलभूत सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, और वहाँ पर बैंक, स्वास्थ्य विभाग, दवाखाना होते हुए स्कूल, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और वहाँ घर की जो हमारी दूरी है वो भी कम है, रोड से जुड़ा हुआ है, और जो दूसरे गाँव से जोड़ने, जो नए गाँव में पंचायत निर्माण करवाने जो परिसीमन द्वारा करवाए गए 9 गाँव सर्फ में, वह है दूरी भी ज़्यादा है, इसलिए हम ऑब्जेक्शन लेते हैं कि अभी जनपद पंचायतों के चुनाव आने भविष्य में होने वाले हैं, उनके संबंध में परिसीमन की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मांगी गई है। तो हमारे द्वारा जो 13 इस देपालपुर जनपद में 13 नई पंचायतों का गठन हुआ है, उसी के संदर्भ में द्वारा एक आपत्ति पेश की गई है, चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग ने समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है। इसकी आपत्तियाँ 8 तारीख तक ली जाएगी, 10 तारीख तक हम निराकरण करेंगे। तो उसी तारतम्य में इन लोगों ने दी है, इनका निराकरण भी हम 8 तारीख तक। शासन से प्राप्त त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव के पहले परिसीमन की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके तहत जिला जनपद पंचायत देपालपुर की कुछ पंचायतों में परिसीमन की कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत अटाहेड़ा और का गेहूँखेड़े ग्राम और शाहपुरा का नौगावा सर्फ मिलाकर के एक पंचायत नई गठित हो रहा है। उसको लेकर के ग्रामवासी नहीं चाह रहे हैं कि उसको नई पंचायत डेवलप करें, गेहूँखेड़े के लोग अटाहेड़ा में ही रहना चाह रहे थे। सेम स्थिति ग्राम पंचायत छोटी कलमेर की, पेमलपुर पंचायत गांव और शाहदा गांव के भी लोगों ने आपत्ति ली है, आपत्ति हमने ले ली है, और शासन ने 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपत्ति का निराकरण करने की समय सीमा दी है। समय सीमा के अनुसार इनका निराकरण आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा, और उसके अनुसार फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय विद्यालय में राज्य सरकार के निर्देशानुसार बृहद बाल सभा का आयोजन श्री विष्णु भगवान जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा भरतपुर के मुख्य आतिथ्य तथा छात्रा अंजू कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। आमिर खान की रिपोर्ट कामा से। सिंधी कॉलोनी स्थित प्राचीन श्री झूलेलाल मंदिर में खुम्ब की हरियाली अमावस्या पर सिंधी समाज की माता बहनों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पूजन अर्चन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। यह जानकारी देते हुए श्रीमती राखी होतवानी ने इस पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि अमावस्या उन माताओं और विशेष रूप से मनाई जाती है जिनके पुत्रों की मनौती पूरी होती है। बड़ी संख्या में समाज की माता बहनें उपस्थित थी। खंडवा से ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर महाजन की रिपोर्ट। खबर मुंबई। 29 तारीख को रात 9:30 बजे नाबालिग लड़की के साथ हुआ हादसा। गोरेगांव आर्य कॉलोनी की नवरा अली सन ऑफ ओवेस की लड़की को 1 साल से ओसामा शेख सन ऑफ ताज का बेटा टॉर्चर किया जा रहा था। ट्यूशन क्लास में अचानक 29 तारीख को ओसामा ने लड़की की बिल्डिंग की टेरेस पर लड़की को किसी बहाने से बुलाया और काफ़ी टॉर्चर किया, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को
टेरेस से फेंक दिया। ऊपर से लड़का के माँ बाप और उसकी मासी सब मिलकर लड़की के बाप को जान से मारने की धमकी दी और बोला, आप अपना कंप्लेंट्स वापस ले लो, कुछ होने वाला नहीं है, मेरा बेटा नाबालिग है। पब्लिक का कहना है कि अगर लड़का नाबालिग है तो क्या किसी का मर्डर करेगा, किसी का रेप करेगा, क्या किसी की बेटी टेरेस से फेंक देगा? नहीं, कानून सबके लिए है। लड़की अभी मुंबई के हीरा नंदानी हॉस्पिटल में एडमिट है। लड़की के माता पिता बहुत ही गरीब हैं, वह प्रशासन से न्याय चाहते हैं। लड़की के घर वालों को लड़की की डॉक्टरों की रिपोर्ट 29 से लेकर 2 तारीख के बीच में अभी तक नहीं दी गई है। लड़की वालों का कहना है कि पुलिस प्रशासन लड़के का बचाव कर रहा है। नमरा अली लड़की की तबीयत अभी बहुत सीरियस है। रिपोर्टर राज चौधरी, चीफ रिपोर्टर मुंबई से। 1.5 साल से उसामा शेख हमारी लड़की को परेशान कर रहा था, उसके साथ बहुत ज़ोर दबस्ती कर रहा था, ट्यूशन क्लास में, रास्ते में, आते जाते, बिल्डिंग में मारपीट करता था। मतलब वो गुंडे टाइप का लड़का है, बहुत ज़्यादा हम लोग उससे आधी ज़्यादा थे। और लेकिन ऐसा हुआ कि उसने 29 तारीख में वो कर दिया जो हमने सोचा भी नहीं था। बच्ची नीचे थी, उसे धोखे से बुलाया अंधेरे में और उसको पता नहीं किस चीज़ से मारा, उसके साथ क्या किया कि आज मेरी बच्ची वेंटिलेटर पर है, उसके 2 ब्रेन के ऑपरेशन हो चुके हैं, अब वो ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रही है। हीरा नंदानी में उसका ऑपरेशन चला, वहाँ पर अभी वो एडमिट है और वहाँ का खर्चा भी बहुत है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसके पेरेंट्स की सरासर इसमें गलती रही है, क्योंकि मैंने उनसे शिकायत करी और शिकायत के बाद भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया और उल्टा मुझसे झगड़ा करके गए। उसकी माँ, उसकी मासी, उसका फादर सब मुझसे झगड़ा करके गए कि अगर तुमने कुछ बोला तो हम बच्ची को उठवा लेंगे। बहुत सारी बातें, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करते, अपने में रहते हैं। मेरे हस्बैंड को कह दीजिए, हम लोग सिर्फ कमाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मेरी बच्ची को ऐसा कर दिया है कि बस मैं बोल नहीं सकती, बहुत बुरी तरीके से वो डैमेज हुई है। और आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस लड़के को सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए कि मेरी बेटी अच्छी हो जाए, उसके लिए दुआ कीजिए। और अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।